नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा रिंग पे लेटर के बारे में। रिंग पे लेटर में जो ऐप है, आपको लिमिट मिलती है, आप यूज़ करते हैं, लेकिन आप अगर बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 10% चार्ज वहां पे देना होता है। लेकिन वहां पे एक अपडेट आया है जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि जो रिंग पे लेटर है वहाँ पर अब आप UPI से के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, UPI करने के लिए आपको उसमें एक बैंक अकाउंट अपना ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद वहां पर OTP वगैरह सब कुछ सेंड हो जाएगा, जैसे आपने फोन पे, पेटीएम, इसमें आपने अपना बैंक लिंक किया होगा UPI के थ्रू। UPI का जो गेटवे है यूज करके आप पेमेंट कर पाते हैं अपने बैंक से ही। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप रिंग पे लेटर का जो ऐप है उसमें आप UPI कर पाएंगे अपना बैंक ऐड करने के बाद। रिंग पे ऐप में जैसे ही आप अपना बैंक ऐड करेंगे, उसके बाद QR कोड स्कैन करने के बाद पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि जो आप स्कैन एंड पे करेंगे वो आपके बैंक से जाएगा या जो क्रेडिट लिमिट मिली है आपको रिंग पे ऐप में उससे, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा कंफर्म ही है लगभग कि अगर आप UPI करते हैं या फिर UPI के जरिए पेमेंट करने के लिए आप किसी ऐप में बैंक लिंक करते हैं तो वहां पर आपका जो अमाउंट है बैंक से ही कटता है। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि QR कोड स्कैन करने के बाद आप अपने रिंग पे लेटर जो ऐप है उसकी जो लिमिट मिली है उससे कर पाए, क्योंकि आपको पता ही होगा इससे पहले जब ये UPI वाला सिस्टम नहीं आया था तो वहां पर रिंग पे का जो ऐप था QR कोड स्कैन करके क्रेडिट लिमिट आप ट्रांसफर कर सकते थे मर्चेंट्स पे, तो उसको अभी ऑफ कर दिया गया था। काफी टाइम पहले वो सर्विस जो है वो डिसेबल कर दी गई थी, लेकिन अभी UPI के जरिए लिंक करके अपना अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट और साथ ही साथ अब UPI कर पाएंगे QR कोड स्कैन करने के बाद अपना जो बैंक आपने रिंग पे ऐप में ऐड करेंगे उससे पेमेंट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप ये सर्विस रिंग पे ऐप में जा करके यूज़ करने वाले हैं या नहीं।